डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूमेंट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूमेंट पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही हमने यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मूमेंट पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, क्योंकि बेटा हमें पता है, ये तो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा होता है कि कोई भी मैग्नेट ले लो, बार मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर। मैं क्यों बोल रहा हूँ करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या होता है, दैट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो जब वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है, इट मीन्स दैट इज अ मैग्नेट, क्लियर। तब तक वो बिहेव करेगा एज ए मैग्नेट जब तक उसमें से करंट फ्लो करेगा, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है बेटा। तो वो कहता है कि कोई भी मैग्नेट ले लूँ या करंट कैरिंग कंडक्टर ले लूँ बेटा, उसमें क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है बेटा। दो पोल होने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। बट मैग्नेटिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं बेटा। सो अ मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। देखो बेटा, ये हम सभी को ही पता है कि जो मैग्नेट है उसमें दो पोल्स होते हैं बेटा। मैं यहाँ बना रहा हूँ लिटिल इनवर्ड, क्लियर है, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। अब वो ये कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह की अरेंजमेंट हो, दो अनलाइक पोल्स हों ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, मतलब इनकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है बेटा। पोल स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो क्या है बेटा, दैट इज स्मॉल एम। क्या है वो बेटा, स्मॉल एम इज रिप्रेजेंटिंग द पोल स्ट्रेंथ, ध्यान दें। अब वो कहते हैं सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमने मान लिया दैट इज 2L, क्लियर है बेटा, ये चीज ध्यान देनी है। तो अब हम आगे बात करते हैं। सो दिस इज द अरेंजमेंट, कोई भी ऐसी अरेंजमेंट जिसमें क्या हो, दो अनलाइक पोल्स हो इक्वल पोल स्ट्रेंथ के, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जो गैप है इनका वो क्या है बेटा, 2L है, समझ गए। अब हम अगर आगे चले, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूमेंट क्या है, इसे देखते हैं बेटा अब। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, आइदर पोल मतलब दोनों में से कोई भी पोल की स्ट्रेंथ ले लें, क्योंकि दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है बेटा, ठीक है। बस इनका नेचर क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट, ये चीज़ ध्यान देनी है। इसकी पोल स्ट्रेंथ भी एम है, इसकी भी एम है। एंड द मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ मतलब दोनों जो पोल्स हैं उनके बीच का सेपरेशन, दैट इज 2L, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ मैं उस टर्म्स में, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये लेंथ वाला पार्ट क्या होगा, वेक्टर होगा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूमेंट की, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। मैंने थ्योरेटिकल तो बता दिया, मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी, दैट इज एम इंटू 2L, क्लियर है बेटा, ये चीज ध्यान देनी है, क्योंकि हमें पता है जब कोई एक स्केलर से वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या आता है बेटा, दैट इज अ वेक्टर। तो इसलिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या है बेटा ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज साउथ टू नॉर्थ, ठीक है बेटा, ये ध्यान दें, साउथ टू नॉर्थ चलेगा। ये मैंने जान कैसे लिखा है, एरो लगाया है जो बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, सिंपल है बेटा। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जाती है, नॉर्थ से साउथ, उनके अपोजिट है बेटा, बस सिंपल सी बात ध्यान दें, ठीक है। ये क्या होगा, साउथ से नॉर्थ चलेगा। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो बेटा जी बड़ा सिंपल है, जरा उसको देखें, एक्चुअली फार्मूला पे फोकस करो पहले। तो अगर मैं इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग देखूं तो बेटा जी क्या फार्मूला बनता है, फार्मूला तो यही है m इंटू 2L, बट इसमें अगर मैं यूनिट्स डालूं m की और लेंथ की, तो व्हाट इज़ द यूनिट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला,
ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द SI यूनिट फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है। एक्चुअली बेटा हमारे पास जो है ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दो दो यूनिट्स होती हैं, ठीक है। मैं दोनों ही लिख देता हूँ पर आप अभी ये नहीं समझ पाएंगे कि ये दोनों कैसे आई, क्योंकि अभी जो है हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया है कि जो बार मैग्नेट है उसमें जो डाइपोल हैं सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस उनकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है और उसका फॉर्मूला ये है। क्लियर है बेटा, बात समझ आ रही है। क्योंकि हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है या करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल जो होती है वो भी एक मैग्नेट होती है, ठीक है। बट उसमें कौन सा फेस कौन से पोल की तरह एक्ट करता है और करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी वो सब हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी। उसके लिए एक और वीडियो बनेगी बेटा और जो टॉपिक रहेगा उसका मैंने करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेट, ठीक है बेटा। उसमें आप देख सकेंगे कि जो यूनिट है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बिकॉज ऑफ करंट वो क्या है। सो इसमें मैं सिंपल लिख रहा हूँ इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज जूल पर टेस्ला, ठीक है बेटा। और इसको सिंबल की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो जूल पर टेस्ला, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं बेटा, ठीक है। और मैं डायरेक्शन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। टेक केयर बेटा, इतना ही बताना चाहता था इस वीडियो में मैं। ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।